हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग जो है कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान के सिलेबस ओवरव्यू के बारे में जानेंगे कि 2022 और 23 में सिलेबस आपके क्या रहने वाले हैं, आपको किन के बारे में पढ़ना है, कितने टॉपिक पर अध्ययन करना है, वो सब आज हम आपके इस लेक्चर में बता देंगे। प्यारे बच्चों, अगर बताने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा तो अपने दोस्तों के साथ। तो प्यारे बच्चों, आइए आज की क्लास में हम देखते हैं कि हमको आज के सिलेबस में ओवरव्यू में क्या बताया जाएगा, आपको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला चैप्टर अगर आप देख रहे होंगे तो भौतिक जगत है, यानी आप कक्षा 11 का जो पहला चैप्टर है पूरा वो भौतिक विज्ञान का फंडामेंटल है। आप कह सकते हैं कि एक तरफ से कहा जाए पूरी थ्योरी चैप्टर है, उस केवल आपको उसमें बताया जाएगा कि भौतिक क्या है, भौतिकी जगत क्या है, भौतिक समाज क्या है, भौतिक का उत्तेजना कैसे हुआ, भौतिक का प्रयोजन कैसे हुआ, भौतिक का कहाँ कहाँ हम लोग अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर रहे हैं, तो इन सब का डिटेल से जानकारी भौतिक जगत में हम लोग करेंगे पहले चैप्टर में, क्योंकि अच्छा चैप्टर है और एकदम सरल लैंग्वेज में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। दूसरा चैप्टर है मात्रक एवं मापन। दूसरा चैप्टर क्या है? मात्रक और मापन। तो हम लोग इस दूसरे चैप्टर में मात्रक के बारे में जानेंगे कि भौतिक राशियों का मात्रक क्या होता है, भौतिक राशियों का हम मापन कैसे करते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों, एक बात बता देना चाहते हैं, मापन तो हमारे इस जीवन की जो है ना एक मूल इकाई है। मापन हम लोग डेली करते हैं। कैसे करते हैं? अब जैसे हम लोग सुबह 6 बजे उठते हैं तो 6 बजे उठने का एक माप है। जैसे हमने कहा कि हमको खाना खाना है तो खाना खाने का भी एक माप है कि एक रोटी, दो रोटी, तीन रोटी खाते होंगे तो एक प्रकार का माप है। पर हम लोग उससे उसी माप को जो है भौतिक राशियों को मापेंगे, तो भौतिक राशियों का यहाँ मापन करना सीखेंगे और साथ साथ में भौतिक राशियों का मात्रक निकालना सीखेंगे कि आखिर भौतिक राशि को व्यक्त कैसे करेंगे। तो जैसे आप गेहूं खरीदने जाते हो किसी दुकान पर, वहाँ कहते होंगे एक कुंटल दे दीजिए, 1 केजी दे दीजिए, तो वो केजी क्या है? वो केजी कुंटल वो द्रव्यमान का मात्रक है, गेहूं का मात्रक नहीं है। जिसमें द्रव्यमान होगा उसको हम लोग केजी से व्यक्त करेंगे। जैसे हमने कोई पेय पदार्थ लेने गए तो आप वहाँ पर जो है उसका मात्रक बता दोगे लीटर। इसी प्रकार हम लोग मात्रक एवं मापन के बारे में जानेंगे और साथ साथ में इसी में एक बीमा आता है, बीमा के बारे में भी अच्छे से जानेंगे। और बीमा और मात्रक ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ 11 में नहीं 12 में भी आगे जितने क्लासेस पढ़ेंगे हर एक क्लासेस में इम्पॉर्टेंट है। तीसरा चैप्टर आता है अध्याय 3 सरल रेखा में गति। यानी सबसे पहले हम लोग बच्चों जान लेते हैं कि गाइज आपको कक्षा 9 में ही पढ़ा दिया गया होगा गति क्या होता है, गति क्या होता है, गति के प्रकार क्या होते हैं, तो उसी में एक बताया गया होगा सरल रेखी गति। तो इस तीसरे अध्याय में हम लोग जानेंगे कि एक कोई भी वस्तु सरल रेखा में गति कैसे करता है, सरल रेखा में गति क्या होता है, तो उसके सारे टॉपिकों के बारे में हम लोग तीसरे अध्याय में अध्ययन करेंगे। और चौथा अध्याय क्या है? समतल में गति। इस बार सरल रेखा में नहीं, किसी प्लेन में गति करेंगे, कोई एक ऐसा समतल होगा जिसमें गति करेंगे। तो चौथा अध्याय समतल में कोई वस्तु गति करेगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये दोनों चैप्टर बहुत अच्छे हैं और अच्छे से आपको सरल लैंग्वेज में समझाया भी जाएगा। अध्याय पाँच है गति के नियम। तो गति के नियम क्या है, गति के समीकरण क्या है, गति से संबंधित कितने वैज्ञानिकों ने क्या नियम दिया, तो इन सब का अध्ययन हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। फिर अध्याय छठवां है आपका, जो 6 नंबर अध्याय है वो है कार्य ऊर्जा और शक्ति। यानी छठवें चैप्टर में हम लोग जानेंगे कार्य क्या है। जैसे हमने कहा कि इस मार्कर पे हमने बल लगाया और बल लगाकर ये अपने स्थान से विस्थापित हो गई इधर की दिशा में, तो कुछ कार्य हो गए, ये कार्य के बारे में जानेंगे। फिर कार्य के बाद ऊर्जा जानेंगे, ऊर्जा क्या होता है, तो कार्य करने की जो आपकी कैपेसिटी होती है, कार्य करने की जो आपकी क्षमता होती है, वही क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। और शक्ति जानेंगे कार्य करने की समय दर, यानी कितने समय में आप कार्य कर पा रहे हैं। जैसे एक कोई छोटा सा बच्चा होता है, ये कोई छोटा सा एक बच्चा अगर आप मान लिए, ये छोटा सा बच्चा किसी कार्य को 2 घंटे में कर रहा है और ये एक बच्चा है और ये किसी कार्य को 3 घंटे में कर रहा है, तो इसके पास शक्ति कम है, सॉरी इसके पास शक्ति ज़्यादा है इसकी तुलना में। क्यों? क्योंकि वो उसी कार्य को ये 2 घंटे में कर दे रहा है और उसी कार्य को भाई साहब ये 3 घंटे में कर रहे हैं। तो कार्य को समय से भाग दे देते हैं तो वो आपकी शक्ति कहलाती है, चाहे जिसकी हो। किसी वस्तु के द्वारा किए गए कार्य को अगर आप समय से डिवाइड कर दोगे तो वो आपकी क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। तो इसके बारे में डिटेल से जानकारी हम लोग जब अध्याय 6 स्टार्ट करेंगे तब वहाँ अच्छे तरीके से जानेंगे। और गाइस, हर एक चैप्टर से हर एक टॉपिक पे आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाने को मिलेंगे। न्यूमेरिकल
जैसे आपने कार्य पढ़ा तो कार्य के आधार पर न्यूमेरिकल मिलेंगे। हर एक वीडियो का या हर एक टॉपिक का प्लेलिस्ट बना रहेगा, आपको कहीं भी कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी। अध्याय 7वां है कणों का निकाय, यानी कणों की निकाय के बारे में जानेंगे कि कोई कण का निकाय कैसे बनता है, कोई कण का निकाय क्या है, कि निकाय में कितने कण हैं, कितने कणों से मिलकर निकाय बना है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। 8वां चैप्टर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, फिलहाल हर एक चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, ये कहीं सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि गुरुत्वाकर्षण। और यही गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वीय बल क्या है, तो इन सब का डिटेल से जानकारी हम लोग अध्याय 8 में करेंगे प्यारे बच्चों। और इसी चैप्टर के साथ हमारा खंड ख जो है फिजिक्स वो समाप्त हो जाता है, यानी हम कक्षा 11 की आधी भौतिक जो है पढ़ लेते हैं गुरुत्वाकर्षण समाप्त करने के बाद। अब आपका जो खंड 2 है वो खंड 2 यहाँ से स्टार्ट होता है, खंड ख जो है अध्याय 9 ठोसों के यांत्रिक गुण, यानी ठोस के यांत्रिक गुण क्या क्या होते हैं, ठोस में प्रतिबल विकृति ये सब कई प्रकार की घटनाएं निकलेंगी आपको वहाँ पर, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे, तमाम टॉपिकों के बारे में जानेंगे डियर स्टूडेंट। तो अध्याय 9 भी ठोसों का यांत्रिक गुण है, अध्याय 10 है तरलों के यांत्रिक गुण, यानी यहाँ हम लोग जैसे वहाँ ठोस के यांत्रिक गुण के बारे में अध्ययन करेंगे वैसे ही हम लोग यहाँ तरल के यांत्रिक गुण के बारे में अध्ययन करेंगे, तरल का यांत्रिक गुण क्या होता है। लास्ट आपका जो अध्याय 11 है वहाँ हम लोग जानेंगे द्रव्य के तापी गुण, यानी किसी द्रव्य के तापी गुण क्या होते हैं, द्रव्य के तापी गुण के कारण क्या क्या व्यवहार होता है, ये तीन इनका भी हम लोग अध्ययन करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। आपका फिर से अध्याय 12 आ जाता है ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी आपका समझ लीजिए कि इस खंड में ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऊष्मागतिकी क्या होता है जो कि आपको आगे काम देगा। तो ऊष्मागतिकी के बारे में जानेंगे, ऊष्मा क्या है, ताप क्या है, उसके बाद इसी में ऊष्मागतिकी का नियम आएगा, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, कई प्रकार के, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। फिर आपका जो 13वां अध्याय आता है अणुगति का सिद्धांत, यानी अणुओं के गति का जो सिद्धांत है वो हम लोग 13वें अध्याय में पढ़ेंगे। 14वां अध्याय आता है दोलन, दोलन क्या होता है, दोलन कितने प्रकार के होते हैं या कैसे इसमें क्या क्या होंगी, तो हर एक टॉपिक का और हर एक टॉपिक का विशेष तौर से जो है हम लोग अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। आपका लास्ट अध्याय आता है तरंगे, तरंगे क्या होती हैं, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, ये सब तरंगे जो है हम लोग जानेंगे। और तरंगे क्या होता है डियर स्टूडेंट, जैसे कोई शांत जल हो गया, शांत जल में अगर आप कोई एक पत्थर का टुकड़ा फेंकते हो तो जल में जो विक्षोभ उत्पन्न होता है, जल में जो हलचल उत्पन्न होता है, वो हलचल, वो विक्षोभ भी क्या कहलाता है, तरंग कहलाता है। और डियर स्टूडेंट तरंग को हम लोग जानेंगे। और इसी के साथ आपका जो एनसीईआरटी का जो 15वां अध्याय है वो कंप्लीट हो जाएगा, और इसी प्रकार से आपका कक्षा 11 की जो फिजिक्स है वो कंप्लीट हो जाएगी। और आपको डियर स्टूडेंट हमने आज की वीडियो में आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बता दिए, और जैसे ही आपका एनसीईआरटी का ये सिलेबस समाप्त होगा वैसे ही प्रीवियस ईयर के जो आपके मॉडल पेपर होंगे वो सॉल्व करा दिए जाएंगे डियर स्टूडेंट। और प्यारे बच्चों अगर आज की वीडियो आपको आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।